प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक साल पूरे होने पर किए राष्ट्र को संबोधित, बोले 5 अलग अलग भाषाओं में कराया जाएगा इंजीनियरिंग कोर्स। भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, प्री क्वार्टर फाइनल में मैरीकॉम को मिली हार। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी। केरल में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, कोविड प्रबंधन के लिए केंद्र ने रवाना की 6 सदस्यीय टीम, स्वास्थ्य सचिव ने भी किया अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस, केरल में चिंताजनक बनी हुई है स्थिति। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विकासनगर विधानसभा में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के मंडलीय पदाधिकारी और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी पार्टी के प्रति निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करें, सभी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेकर उसे निभाएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर पार्टी की छवि को बेहतर करने की कोशिश करें। मंडल के अंदर जितनी गतिविधि होती है उसका एक सम टोटल उसकी एक समीक्षा करते हैं और आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसकी संरचना और उसके क्रियान्वयन के बारे में जो हमारे बूथ लेवल के फॉर्मेशन हैं और एसोसिएटेड फॉर्मेशन हैं उनको एक टारगेट्स और एक दिशा निर्देश आवश्यक होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर कोठियाल का आपके कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और इस दौरान अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कोठियाल युवाओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। कोठियाल ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उनके प्रमुख मुद्दे हैं जिसे लेकर वो जनता के बीच आएंगे। हम हर चीज़ हर जो हम अपने बोल रहे हैं मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं हम युवाओं से डिस्कशन कर रहे हैं और युवाओं से ना एक्चुअली बात भी सामने आती है। किसी जगह में कोई स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं, हल्द्वानी में पॉइंट आया था कि वहाँ पे स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल का, वो स्टेडियम से उगने चाहिए थे खिलाड़ी, कहते हैं वहाँ पे भांग की घास उग रही है, तो कहते हैं ये कोई तरीका है। तो युवाओं से ना जो चीज़ें समझ में हमको आ रही है उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में लेके चलना है, बनाना है जो मैनिफेस्टो, और ये पहली बार हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की जो मतलब हमारे देश की जो असली में प्रोग्रेस है करने वाले यूथ उनके पॉइंट को समझ करके और अपने एजेंडा बना रही है। दिल्ली से एजेंडा कोई डिस्कशन नहीं हो रहे हैं जैसे बीजेपी कांग्रेस के। रुड़की जिले के झबरेड़ा विधानसभा से विधायक देशराज कर्णवाल क्षेत्र में लगातार विकास कर रहे हैं। कोरोना काल में जनता के बीच जाकर उन्होंने लगातार लोगों की मदद की। वहीं अब बारिश से होने वाले जल भराव से छुटकारा दिलाने के लिए नालियों की साफ सफाई करवा रहे हैं। भक्तोवारी में करीब 1 किलोमीटर का नाला पिछले कई महीनों से कचरे से पटा हुआ था जिसकी सफाई के लिए विधायक ने ब्लॉक के अधिकारियों से बात कर और सफाई करवाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। ब्लॉक अधिकारी विमला ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत 15वें वित्त योजना टाइप फंड के तहत ये कार्य किया जा रहा है। नाले की सफाई में 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आएगी। भक्तवाली में जो फंड आता है 15वें वित्त के अंतर्गत टाइट फंड से ये कार्य शुरू किया गया है। हमारी विधानसभा झबरेड़ा विधानसभा के जो हमारे माननीय विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी के हैं उनके निर्देशानुसार ये कार्य यहाँ पे चलाया गया है। बहुत समस्या थी सफाई की, इस टाइम पे आपको पता चल रहा है कि कोविड चल रहा है और वो आपका डेंगू भी चल रहा है तो उससे यहाँ पे लोगों को निजात मिल पाएगी। वहीं कलियर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत 328 आवास आवंटित किए गए हैं
चेयरमैन का कहना है कि मकान और शौचालयों का पैसा आ चुका है, जिसका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए पहले सर्वे कराया जाएगा। वार्ड मेंबर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और सर्वे के बाद पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय दिया जाएगा। दरअसल जो मकान आए हैं उनके अभी जियो टैगिंग हो रही है, उनके जो फोटो खींच कर लाभार्थी के शासन को भेजे जा रहे हैं, और जैसे ही वो फोटो खींच कर जाते रहेंगे एक लिस्ट बनती रहेगी। वार्ड सभी लोग हम जा रहे हैं, वार्ड मेंबर जा रहे हैं और हमारा स्टाफ जा रहा है, नगर पंचायत का सबको मौके पर जाकर देख रहे हैं। जो भी इस तरह के पात्र लोग हैं उनको पैसा डलवाएंगे तत्काल में ही। और ये महिलालकुआ में तेजी के साथ बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए महिलाओं ने कोतवाली का घेराव किया है। महिला कांग्रेस की नेत्री बीना जोशी के नेतृत्व में बिंदु खता की दर्जनों महिलाएं कोतवाली पहुंची और वरिष्ठ उपनिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीना जोशी ने कहा है कि लालकुआ सहित इसके ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे तमाम परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो महिलाएं आंदोलन को बाध्य होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुंबई की एक दुष्कर्म पीड़िता के मामले में सिविल जज को अवमानना नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर डिवीजन के सिविल जज संदीप कुमार तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट की तरफ से सिविल जज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इससे पहले पीड़ित ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को महिला मानने का निर्देश जारी किया गया था। बाद में पीड़ित ने एक अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि जज ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। वहीं रोशनाबाद के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग में लगे वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में जुटी भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है और जिम्मेदार मार्गदर्शक बने रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर बनाए गए सभी नियम और कानून धराशायी होते नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि गंगा नहर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मंदाग्नि नदी में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मंदाग्नि नदी में कार गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और कार को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने मृतक की पहचान किशोरी लाल के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की से 20 किलोमीटर दूर इब्राहिमपुर मसाई गांव को जाने वाली सड़क तेज बारिश के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते दर्जनों गांवों से लोगों का संपर्क टूट गया है और आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने मार्ग को ठीक करने का जिम्मा खुद उठा लिया। मार्ग पर गुजरने वाले लोग कई बार हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो रुड़की से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर तेज बारिश के चलते रास्ते जो है वो पूरी तरह से टूट गए और इससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर मसाई गांव को जाने वाली सड़क तेज बारिश के चलते पूरी तरह से खराब हो गई है। मार्ग जो है बहुत अच्छी ये टूटा हुआ है। यहाँ से नागलपुर में घूमते लगभग ये 10 किलोमीटर घूम के तब आना पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ना ये रास्ता जो कस्टमर या इधर से जो जाने वाले हैं नागलपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।